Your pretty eyes make me smile, and your little fists make me stay with you. Eyelashes move. हेलो दोस्तों, मैं भावना स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस न्यू ब्लॉग में, और आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, बहुत दिनों से मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया क्योंकि कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और बहुत सारे कामों में मैं बिजी थी। मैंने बहुत सारे वीडियो तो शूट करके रखे थे लेकिन मुझे एडिटिंग का ही टाइम नहीं मिल पा रहा था, तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो आप समझ सकते हैं। जानती हूँ आप सभी ने मुझे मिस ज़रूर किया होगा और मैं भी आप सभी को बहुत मिस करती हूँ, इसलिए मैं आज हिम्मत करके एक ब्लॉग बना रही हूँ और इसमें कई दिनों के छोटी छोटी क्लिपिंग्स हैं जिनको जोड़कर मैं आपके लिए एक ब्लॉग लेकर आई हूँ आज। तो चलिए दोस्तों, अब आपको और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाती मैं और ब्लॉग को शुरू करते हैं। अभी देखिए, ये कुछ दिन पहले का ही वीडियो है। हमारे हिबिस्कस पर इतने सुंदर फूल आ रहे थे लेकिन अब गर्मी इतनी ज़्यादा होने लगी है कि सभी पौधे मुरझाए से और गर्मी से त्रस्त नज़र आते हैं। ये देखिए, कुछ दिनों पहले कितने बढ़िया से हो रखे थे। और चलिए अब ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने हल्दी की ये हार्वेस्टिंग की थी। मेरे पुराने ब्लॉग्स में आपने हल्दी के पौधे देखे होंगे ज़रूर, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। बहुत ही सुंदर पौधे थे और उनमें से देखिए इतनी सारी हल्दी निकली है। तो आज हम हल्दी की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। ये देखिए, जड़ों में होती है और इस तरह से मिट्टी को अलग करके एक एक हल्दी की गांठ को निकाला जाता है। तो हमने पूरी हल्दी को इस तरह से निकाल लिया और फिर उसको अच्छी तरह से वॉश करके और एक सीटी कुकर में लगा के फिर उसको सुखा लिया था धूप में। तो देखिए, कुछ दिनों पहले ही हमारे पौधे कितने सुंदर अच्छे से चल रहे थे और बीच में मेरी मम्मी और मेरी बुआ जी भी आई हुई थी, तो उन्होंने दोनों ने देखे कितनी बढ़िया से ये बड़ी बना दी है, उड़द दाल की और मूंग की दाल की। और फिर ये कुछ दिन बाद का वीडियो है और अभी शाम का टाइम है और हम लोग छत पर आ गए हैं अपने टेरेस गार्डन में, और आज हम गांठ गोभी को भी हार्वेस्ट करेंगे। चलिए हार्वेस्ट कर लेते हैं गांठ गोभी को। और जिनको नहीं पता है तो उनको बता दूं मैं, ये भी एक प्रकार का गोभी होता है जिसको गांठ गोभी बोलते हैं। ये छोटे साइज में होता है और इसे सैलेड के रूप में हम यूज करते हैं। तो हमने गांठ गोभी भी हार्वेस्ट कर लिया है और अब इसे अच्छी तरह से वॉश करेंगे और फिर हम इसे सैलेड में खाएंगे। और ये रहे हमारे टेंथस के प्यारे प्यारे फूल, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और मैंने अब गर्मियों की भी शुरुआत हो चुकी है तो ये पॉर्च लगा के भी छोटे छोटे से पौधे लगा लिए हैं। और ये देखिए, अब गुलाब भी गर्मियों के कारण झुलसने लगे हैं और फूल भी उतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। इन हमारे बिंका पर अभी भी कितने ढेरों फूल आ रहे हैं। और फिर ये रहे कलेजू के पौधे, इनके फूल भी अच्छे से खिले हुए हैं लेकिन धीरे धीरे ये भी देखिए धूप में झुलस रहे हैं। और बहुत जल्द हमें नेट भी लगाना पड़ेगी छत पर ताकि हमारे पौधों को छांव मिल सके। तो ये देखिए, अभी कुछ इस तरह से हैं लेकिन कुछ दिनों में ही ये धीरे धीरे मुरझा कर झड़ जाएंगे। और फिर अब शाम का टाइम है और हम फिर से आ गए हैं अपने टेरेस गार्डन में अपने पौधों को पानी देने के लिए। तो ये देखिए, डॉक्टर साहब पौधों को पानी दे रहे हैं और धीरे धीरे धूप बहुत तेज़ होने लगी है तो हमें बहुत जल्द ही नेट लगाना पड़ेगी।
यहाँ पर देखिए, अब जैसे जैसे गर्मियाँ आएंगी तो हमें पुदीने की भी ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये पुदीना लगा दिया है। कुछ दिन में ही ये बहुत अच्छे से ग्रोथ पकड़ लेगा, तब मैं आपको दिखाऊंगी इसी वीडियो में। तो ये देखिए दोस्तों, ये अब कुछ दिन बाद का वीडियो है और हमारा लगाया हुआ पुदीना देखिए कितनी बढ़िया ग्रोथ हुई है इसकी, कितना हरा भरा फ्रेश एकदम। इसमें आप हल्के से हाथ भी फिरा दो तो इतनी बढ़िया खुशबू आती है, बिल्कुल ताजगी से मन भर जाता है। ये देखिए कितना प्यारा हो रखा है। और फिर अब यहाँ पर हम लगा रहे हैं नेट, क्योंकि धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है और हमारे इतने प्यारे पौधे धूप से झुलस रहे हैं, तो नेट लगाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो आज हम लगा रहे हैं नेट। और अभी बीच में नर्सरी जाना हुआ था तो मुझे ये गुलाब के फूल बहुत ही सुंदर लगे, तो इसके दो पौधे हम ले आए। हालांकि अभी इनका सीजन नहीं है, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने ले लिए। और देखिए हमारी नेट लग चुकी है। तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से ये नेट लगा ली है हम लोगों ने। और ये रहा हमारा प्यारा सा पुदीना जो गर्मियों में काम आएगा। और अब मिलिए हमारे दाढ़ी वाले बाबा जी से। एक्चुअली ये टर्टल बाइन की ही एक वैरायटी है, लेकिन इसका शेप देखिए आप, ऐसे लगता है जैसे बाबा जी की दाढ़ी हो, तो हमने इसका नाम भी दाढ़ी वाले बाबा जी रख दिया है। ये देखिए लग रहा है ना जैसे किसी बाबा जी की दाढ़ी हो। और फिर ये शाम का टाइम है और यहाँ देखिए मैंने दीपक लगा दिया है। गर्मियों में हमारी तुलसी का बड़ा वाला जो पौधा था वो भी सूख गया है, लेकिन इसमें एक छोटू सा पौधा अपने आप से उगाया है और धीरे धीरे भगवान ने चाहा तो बड़ा भी हो जाएगा। तो चलिए अब आपको थोड़ा सा अपने पोर्च का भी व्यू दे देती हूँ। यहाँ अभी इस तरह से लग रहा है, कुछ पौधे हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिए हैं। और ये देखिए, और यहाँ पर भी हमने बाकायदा नेट लगा दी है ताकि यहाँ पर भी पौधों को छांव मिल सके। और ये हमारे पाम के जो बड़े बड़े पौधे थे जो बाहर रखे हुए थे धूप में, तो उनको भी हमने अब अंदर रख लिया है। तो कुछ इस तरह से अभी मेरा पोर्च दिखाई दे रहा है। देखिए मेरा आंगन शाम के टाइम बहुत ही सुंदर लगता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में ये डिम लाइट करके, और हरियाली और हल्की हल्की रोशनी, भीनी भीनी सी खुशबू, तो बहुत ही सूदिंग सा लगता है। और आप सभी की गर्मियाँ कैसे निकल रही हैं दोस्तों, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों की क्या क्या प्रिपरेशन चल रही हैं गर्मियों की, आप गर्मियों में क्या कर रहे हैं, कैसे इंजॉय कर रहे हैं, कैसे अपना टाइम पास कर रहे हैं। दोस्तों वैसे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ऑलरेडी पोर्च में, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि मुझे कुछ मेकओवर करना है, तो मैंने कुछ मेकओवर भी किया है अपने पोर्च एरिया में, उसका भी ब्लॉग बहुत जल्द आएगा तो देखना मत भूलिएगा। और अभी देखिए कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। Thank you.
तो दोस्तों आपको मेरा पोर्च कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में। मुझे तो ये ग्रीन टी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही सुकून सा मिलता है जब आप ग्रीनरी से घिरे हों, चारों तरफ आपके हरियाली हो। तो अभी कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन इस एरिया में मुझे मेकओवर करना था तो मैंने मेकओवर किया है और उसका वीडियो मैं बहुत जल्द डालूंगी। Enjoy the moment that make you happy। जी हाँ दोस्तों, अगर कैसी भी परिस्थितियाँ हों, कैसा भी मौसम हो, लेकिन आपको अगर उसमें सुकून ढूंढना आता है तो आप कभी बोर नहीं हो सकते। और वही काम कीजिए जिसको करने से आपको खुशी मिलती है। जिस तरह देखिए हमारी ये हैप्पी सिंह जी यहाँ बैठी हुई हैं, गर्मी है लेकिन फिर भी खुश हैं। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि वक्त का भी अच्छा या बुरा नहीं होता, वक्त का तो काम ही है गुजर जाना, और फिर अच्छा हो या बुरा वो गुजर ही जाता है। लेकिन हम अपने छोटे छोटे से एफर्ट्स लगाकर, अपने थोड़ी थोड़ी सी कोशिशें कर कर उस वक्त को भी बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं और उस पल को बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं जिस पल में हम अभी जी रहे हैं। तो अब थोड़ा सा व्यू अपने लिविंग रूम का भी आपको दे देती हूँ। और यहाँ पर मैं कुछ कुछ चेंजेस हमेशा करती रहती हूँ, जब भी मेरा जो दिल करता है उस तरीके से थोड़ा बहुत चेंजेस करती रहती हूँ, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप भी ऐसा करके ज़रूर देखिएगा दोस्तों, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए लिविंग रूम में भी मैं शाम के टाइम सारी लाइट्स डिम कर लेती हूँ और ये डिफ्यूज़र ऑन कर देती हूँ, तो बहुत ही अच्छी एक फ्रेग्रेंस आती है तो मन खुश रहता है। और अब देखिए कुछ दिन के बाद का ये वीडियो है और हम फिर से आ गए हैं सुबह सुबह अपने टेरेस गार्डन में। और आज हम कर रहे हैं चुकंदर की हार्वेस्टिंग। देखिए कितने बढ़िया से हो गए हैं, तो आज इनको भी हम तोड़ लेते हैं। और ये देखिए हमारे चंपा के पौधे में पहली बार दोस्तों ये फूल आए हैं, देखकर मेरा दिल तो बहुत ही खुश हो गया। सुबह सुबह जब इन फूलों को मैंने देखा तो मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हुई, क्योंकि ये पौधा हमने कलम से लगाया था और इसमें पहली बार फूल आए हैं तो एक अलग ही खुशी है। और ये देखिए फिर हमारी ये जो पौचिलका के पौधे लगाए हुए थे वो अब थोड़े से बड़े हो गए हैं और कुछ कुछ में तो फूल भी आने लगे हैं। गर्मियों में हालांकि फूल थोड़े से कम हो गए हैं, लेकिन जितने भी हो रहे हैं उनको ही देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। और ये देखिए हमारे बिंका में तो ढेरों फूल अभी भी आ रहे हैं। फिर ये हमारा एक और हिबिस्कस का पौधा है और इसमें भी हमेशा एक दो फूल होते ही रहते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। येलो कलर का ये हिबिस्कस है, हाइब्रिड वैरायटी का है ये। और ये देखिए दोस्तों, ये तो एक कहूँ कि सरप्राइज है हमारे लिए तो गलत नहीं होगा। हमारे ये नींबू के पौधे में पहली बार एक छोटू सा नींबू हुआ है। और ये रहा हमारा हरा भरा फ्रेश पुदीना। टेरेस गार्डन में अच्छे से सफाई भी कर ली है हमने, तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है।
और फिर ये दूसरे दिन सुबह का टाइम है और पूजा के लिए ये फूल तोड़ कर रखे हैं और साथ ही मैंने कुछ पुदीना भी तोड़ लिया है चटनी के लिए। तो गर्मियों में इसी तरह से हमारा टाइम निकलता रहता है, कुछ ना कुछ हम करते ही रहते हैं। और फिर आप देखिए ये 2-3 दिन बाद का वीडियो है और आज आ गया है हमारे घर एक नया कूलर और एक माइक्रोवेव। हालांकि माइक्रोवेव की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन खुशी की ज़िद थी तो एक माइक्रोवेव भी ले लिया कूलर के साथ ही। तो ये देखिए ये रहा हमारा बढ़िया सा ठंडक देने के लिए कूलर। इसे हम हॉल में लगाएंगे। जो हमारा पुराना वाला कूलर था वो 8-10 साल पुराना हो चुका है, अभी भी चल रहा है लेकिन उसकी बॉडी पूरी ऐसी जर्जर हो चुकी है कि अब उसे चेंज करना ज़रूरी था। तो इस बार हमने नया कूलर ले ही लिया। तो इस बार हमने सिम्फनी ब्रांड का बिग साइज़ का ये कूलर लिया है। बहुत ही अच्छी इसकी कैपेसिटी है, बहुत ही बढ़िया हवा ये देता है। अभी हमारा कूलर आया था तो मैंने इसका भी थोड़ा सा वीडियो ले लिया जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए इंस्टॉल करने के लिए भी आए हैं और ये रहा हमारा माइक्रोवेव। एक छोटा सा बेसिक सा ही लिया है क्योंकि यूज़ ज़्यादा है नहीं हमारे घर में इसका, लेकिन खुशी को लग रहा था कि एक माइक्रोवेव होना चाहिए तो ले लिया। और ये जो माइक्रोवेव है वो IFB ब्रांड का लिया है और ये वाइट कलर में लिया है क्योंकि हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो भी वाइट कलर में ही है, तो इसलिए ये माइक्रोवेव भी वाइट कलर में ही लिया है। कभी आपको रेफ्रिजरेटर भी दिखाऊंगी अपना। कुछ इस तरह से दिखाई देता है ये देखिए। और यहाँ बाहर पोर्च में हमारे कूलर में व्हील्स लगाए जा रहे हैं, ये बहुत जल्द रेडी हो जाएगा, फिर हम ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। और ये रहा हमारा माइक्रोवेव न्यू एडिशन ऑफ आवर किचन। और हमने ये सोलो माइक्रोवेव लिया है दोस्तों क्योंकि हम चाहते थे कन्वेक्शन वाला भी ले सकते थे, लेकिन माइक्रोवेव मुझे यूज़ नहीं करना है क्योंकि हमारी OTG लेने की भी प्लानिंग चल रही है, तो इसलिए सिंपल सा लिया है। और लिविंग रूम में देखिए ये ग्रीन ग्रास भी मैंने मंगा लिया है और बहुत जल्द मैं मेकओवर करूँगी पोर्च एरिया में, तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। और ये रहा हमारा प्यारा सा गंधराज का पौधा, ये भी बेचारा गर्मी में पूरी तरह से झुलस चुका था और उम्मीद नहीं थी कि इस पर फूल आएंगे, लेकिन देखिए कितने सुंदर फूल आए हैं। तो हर हाल में खुश रहना हमें प्रकृति ही सिखाती है। तो दोस्तों ये था आज का ब्लॉग, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी न्यू ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नेचर से प्यार करते रहिए।